परासिया के पेंचवेली ग्राउंड में सुमित स्पोर्ट्स फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन हुआ। इस दौरान कई क्षेत्रों के खेल प्रेमी शामिल हुए। पेंचवेली ग्राउंड में सुमित स्पोर्ट्स लगातार 12 वर्षों से फुटबॉल टूर्नामेंट करवाते आ रही है, जिसमें इस वर्ष 20 टीमें आई हैं। इस टूर्नामेंट का युवाओं में काफी रुझान है। युवा लगातार हर्षोल्लास के साथ फुटबॉल खेलने बाहर से आते हैं। गौरतलब है कि कोयंचल क्षेत्र में खेलकूद के प्रति युवाओं का उत्साह बढ़ा है। खेल में मजदूर यूनियन का भी सहयोग मिलता रहा है, जिसमें कोयंचल खदान के यूनियन के नेता भी इस स्पोर्ट्स में शामिल हुए हैं। टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। आज इस प्रतियोगिता का शुभारंभ श्रम संगठन पेंच क्षेत्र में जितने भी काम करते हैं उनके पदाधिकारियों ने अपनी आमद यहाँ पर दी है और खिलाड़ियों का प्रोत्साहन किया है। तो आज जो मुख्य अतिथि थे अध्यक्ष मनोज तिवारी जी, HMS के अध्यक्ष राजेश सूर्यवंशी जी, CI2 C2 जी, पेंच कनान के उपाध्यक्ष एटक के महमूद खान जी और कार्यकारी अध्यक्ष शहर कांग्रेस कमेटी के वीर बहादुर सिंह जी ने ये मुख्य अतिथि में आज का शुभारंभ इस प्रतियोगिता का किया गया। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गाँव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।